आज मैं आपके साथ ये वाला डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, ये देखते हैं कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइन है ये 7 फंदों का डिज़ाइन है, 7 + 3 फंदों का डिज़ाइन है ये। तो आप 7 और 3 के मल्टीपल में आप फंदे डाल लें, +3 के मल्टीपल में आप फंदे डाल लें तो आपका स्वेटर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो मैंने इसमें ये यहाँ पे कुछ मैंने थोड़ा सा बॉर्डर बनाया है और इसमें मैंने 32 फंदे जो हैं वो डाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे 4 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुनने हैं, धागा अपनी तरफ रखना है और 4 फंदे यहाँ पे उल्टे बुनने हैं, 3 और ये 4। ये 4 फंदे मैंने यहाँ पे उल्टे बुन लिए। अब अगले अगले फंदे जो हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ये 3 फंदे हैं, इनको हमने धागा पीछे करना है और इनको इस तरीके से हमने एक साथ यहाँ पे बुनना है, एक साथ यहाँ पर, ये पीछे की तरफ को एक साथ यहाँ पे, ये मैंने एक बार ये ले लिया, दूसरी बार धागा आगे करेंगे, धागा अपनी तरफ को किया और एक यहाँ पे हम ऐसे जाली डालेंगे, इस तरीके से करके ऐसे जाली डालेंगे और ये फंदा हम यहाँ पे बुन लेंगे, एक बार और बुन लेंगे। तो हमारे पास ये ऐसे इस तरीके से हमारे पास ये 3 फंदे यहाँ पे हो जाते हैं। ये हमने यहाँ पे 3 फंदे यहाँ पे बना लिए जाली के साथ। तो फिर से धागा आगे करेंगे और अब हम यहाँ पे 7 फंदे जो हैं वो उल्टे बनाएंगे, धागा आगे करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब ये 7 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बना लिए। अब धागा हम पीछे करेंगे, वही अगले वाले ये 3 फंदे जो हैं इनको हमने उसी तरीके से इकट्ठे हमने इनको लेना है और धागा पीछे रखेंगे, एक बार हम ऐसे सीधे बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से हम इनको ये पीछे को जो इस सीधा तरीके फंदा से, है इसके साथ हम ये उल्टा फंदा इन दोनों को आपस में घटा देंगे, ऐसे करके इन दोनों को एक साथ हमने बुन लेना है। अब धागा आगे करेंगे, जो ये जाली वाला फंदा है फ्रेंड्स अगला, इसके साथ हम एक और जाली डालेंगे और जो सेंटर में ये 3 फंदे हैं इनको सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पे 3 फंदे हैं, ये सीधे बुन लिए। अब धागा फिर से आगे करेंगे और अगले इस लास्ट वाले फंदे को ऐसे उल्टाएंगे और अगले इसके साथ एक जो उल्टा फंदा है उसको लेके इन दोनों को घटा देंगे और एक जाली डाल देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन इस तरीके से ये आना शुरू हो गया फ्रेंड्स। अब धागा आगे करेंगे और यहाँ पे हम उल्टे फंदे, अगले 3 फंदे यहाँ पे हमने उल्टे बना लिए, उसके बाद अगले फंदे को इसके साथ घटाएंगे, एक फंदा हमने इस साइड से घटाया और एक इस साइड से घटाना है। अब धागा पीछे करेंगे और ये सीधा फंदा है इसके साथ हम इसको घटा देंगे, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये सेंटर में कम होते जा रहे हैं उल्टे फंदे और सीधे फंदे हमारे बढ़ते जा रहे हैं। तो धागा आगे करेंगे और अगले जाली वाले फंदे के साथ हम एक जाली डाल देंगे यहाँ पे और अगले जो फंदे हैं उनको सीधा बुन लेंगे, धागा पीछे रखेंगे उनको सीधा बुन देंगे। अब धागा आगे करके जो लास्ट वाला फंदा है फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो लेकिन ये आड़ा टेढ़ा आएगा, ऐसे उल्टा सीधा सा आएगा, ऐसे चेन अच्छे से चेन नहीं बनेगी। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये सीधी सीधी चेन आ रही है हमारी, तो ऐसी नहीं आएगी। तो इस करके इसको ऐसे घुमा लेना है हमने सिलाई पे और अगले फंदे के साथ जाली डाल के इसको घटा देना है ऐसे करके। तो हमारे ये फंदे जो हैं बिल्कुल सीधे सीधे आएंगे ऐसे और अच्छे लगेंगे देखने में भी। अब धागा आगे करेंगे और यहाँ पे 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे, 3 फंदे उल्टे बुन लिए, फिर धागा पीछे करेंगे और ये अगला डिज़ाइन वाला फंदा है इसको उल्टे फंदे के साथ घटा देंगे, धागा आगे करेंगे, जाली के साथ एक जाली डाल देंगे और बाकी फंदे सीधे बना लेंगे, 3 फंदे यहाँ पे सीधे हो गए। फिर धागा आगे करेंगे, इस फंदे को ऐसे उल्टा लेंगे और उल्टे फंदे के साथ इसको हम घटा देंगे और धागा फिर आगे करेंगे और ये उल्टे 3 फंदे इनको बुन लेंगे। तो ये देखिए हमारी ये सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई, सीधी सिलाई। और अब हम उल्टी सिलाई पे आ जाते हैं।
उल्टी सिलाई पे फ्रेंड्स जो फंदे उल्टे हैं वो उल्टे करना, जो सीधे हैं वो उनको सीधे बुनना, बस इतना ही है। अब फ्रेंड्स उल्टी साइड से मैंने इसमें सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम आ जाते हैं इसमें सीधी सिलाई पे। तो सीधी सिलाई फ्रेंड्स ऐसे है कि एक फंदा हमारा यहाँ पे, ये एक फंदा उल्टा है जिसको मैंने उतार लिया। अब हम धागा पीछे करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एक फंदा बचा है, इसको हम इसके साथ ऐसे उल्टा घटा देंगे, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको घटा देंगे। अब धागा हम आगे लेके आएंगे और अगले जाली वाले फंदे के साथ, फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे जाली वाले फंदे के साथ हम एक जाली डाल देंगे और अगले सारे फंदे जो हैं इनको सीधा बना लेंगे। अब फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे सात फंदे हो जाएंगे बीच में। ये देखिए यहाँ पे फिर से जाली आ गई है, तो एक धागा आगे करेंगे और इस फंदे के साथ हम यहाँ पे इस फंदे को घटा देंगे उल्टे फंदे के साथ, और एक यहाँ पे हमने जाली डाल दी। ये देखिए अब हमारा ये डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, एक बार कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए हमारे पास सात फंदे भी हो चुके हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये सात फंदे हमारे पास हो गए। और अगला एक फंदा हम यहाँ पे उल्टा बुन लेंगे। ये एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया। अब धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे अगले वाले के साथ, इस उल्टे फंदे के साथ हम इसको सीधे फंदे के साथ दोनों को आपस में घटा देंगे और धागा आगे करेंगे। अब जाली के साथ यहाँ पे हम जाली डालेंगे और बाकी फंदे जो हैं उनको हम सीधा बुन लेंगे। ऐसे हमने इनको सीधा बुन लिया, धागा पीछे रखेंगे। अब धागा आगे करेंगे, ये यहाँ पे हम जाली डालेंगे, इस फंदे को घुमा के यहाँ पे हमने एक जाली डाल दी और उल्टे फंदे के साथ इसको हमने घटा दिया। अब धागा आगे करेंगे और इस फंदे को, एक फंदे को उल्टा बुन लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे इन दोनों फंदों को हमने घटा दिया। फिर धागा आगे करेंगे, इसके साथ हम एक जाली डाल देंगे जाली के साथ, और अगले वाले जो फंदे हैं उनको हमने सीधा बुन लेना है। जितने भी फंदे यहाँ पे हैं इनको सीधा बुन लेना है। अब धागा आगे करेंगे और इस फंदे के साथ, उल्टे फंदे के साथ इसको घटा देंगे सीधे फंदे को, और एक यहाँ पे जाली डाल देंगे। और उसके बाद हम ये जो लास्ट में फंदे बचे हैं इनको ऐसे उल्टा बुन लेंगे। तो अब हमारा ये यहाँ पे डिज़ाइन एक बार जो है वो क्लोज हो गया। अब हम उल्टी सिलाई वैसे ही करेंगे, जो उल्टे फंदे हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे, जो सीधे फंदे हैं उनको हमने सीधा बुनना है। तो फिर उसके बाद मिलती। अब देखिए फ्रेंड्स एक बार ये डिज़ाइन यहाँ पे ऐसे हो गया ख़त्म। अब मैं दोबारा एक बार आपको इसको डाल के दिखाती हूँ। तो हमने जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो से स्टार्ट किया था, सेम हम यहाँ पे भी उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे चार फंदे हम यहाँ पे फिर से उल्टे बनाएंगे। दो हो गए, तीन और ये चार, ये चार फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बना दिए फ्रेंड्स, चार उल्टे हो गए। उसके बाद ये जो अगले तीन फंदे हैं, अब आप ये भी देखेंगे कि ये देखिए ये सेंटर में आना चाहिए, ये चीज़ जो है ये एक फंदा ये सेंटर में हमारा ऐसे चलेगा। तो ये तीन फंदे हैं, इनको हम यहाँ पे धागा पीछे करेंगे और इनको तीनों को इकट्ठा यहाँ पे ले लेंगे। ये तीनों को मैंने यहाँ पे इकट्ठा बना लिया, तीनों को इकट्ठा बना लिया। अब धागा आगे करके एक बार और इनको ऐसे बना देंगे, बीच में एक जाली आ जाएगी, एक फंदा हमारा बीच में बढ़ जाएगा ऐसे करके। और ये देखिए तीन फंदे यहाँ पे हमने इकट्ठे फिर से बना दिए, ये देखिए। और अगले सात फंदे हम उल्टे बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये सात फंदे यहाँ पे उल्टे हो गए। अब ये देखिए यहाँ पे भी ये तीन फंदे हमारे यहाँ पे ये सेंटर में आ गया, ये तीन फंदे हमारे फिर से हमने सात और तीन का ये जो जोड़ है यहाँ पे, ये तीन फंदे यहाँ पे आ गए। अब ये इकट्ठे ले लिए मैंने, और अब मैं अपनी तरफ फिर से धागा करूँगी और एक जाली डालते हुए यहाँ पे एक फिर से इसको एक बार सीधा बुन लूँगी। तो इसको हमने दो बार ऐसे सीधा बुनना है, बीच में एक बार हमने यहाँ पे जाली लेनी। अब धागा अपनी तरफ, वही सात फंदे उल्टे, ये
चार हो गए, पाँच, छः और ये सात, ये सात हो गए। अब अगले वाले फिर से ये तीन फंदे हमारे, ये तीनों तीन का एक कर लिया, यहाँ पे एक कर लिया, फिर धागा अपनी तरफ करके एक बार और इनको सीधा बुन लेंगे जाली डालते हुए। ये जाली डालते हुए हमने इनको सीधा बुन लिया। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और अगले जो बचे हुए फंदे हैं इनको भी उल्टा बुन लेंगे। अब फ्रेंड्स सीधी साइड से कंप्लीट हो गया, तो उल्टी साइड से वही प्रोसेस, सेम जो फंदे उल्टे आए हैं उनको हम यहाँ पे उल्टा बुनेंगे और जो सीधे हैं उनको सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे ये पांच फंदे सीधे हैं हमारे पास, इनको हम सीधा बुनेंगे और जो हमने सेंटर में जो तीन फंदे हैं हमारे पास इनको हम उल्टा बुनेंगे। ऐसे तीन फंदों को उल्टा बुन लिया, अगले सात फंदे सीधे हैं। तो इसी तरीके से हम इस सिलाई को भी कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आपको अगली सिलाई पे मिलती हूँ। फ्रेंड्स उल्टी साइड से मैंने सिलाई कंप्लीट करके हम फिर से सीधी साइड पे आ जाते हैं। तो अब हमने फ्रेंड्स यहाँ पे तीन फंदे उल्टे बनाने हैं, दो और ये तीन, तीन फंदे उल्टे बना लिए, धागा पीछे करेंगे और वही प्रोसेस दोहराएंगे जो हमने नीचे स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में इसकी थर्ड रो थी वैसे ही करेंगे इसको। तो ये देखिए सीधा फंदा मैंने यहाँ पे बना दिया, आगे जो सेंटर वाला फंदा है उसके साथ हम जाली डालेंगे और फिर से धागा आगे करेंगे, इस फंदे को हम उल्टा लेंगे और इसके साथ हम फिर से एक जाली डालते हुए इसको सीधा बुन लेंगे। बस इसी तरीके से फ्रेंड्स हम ये डिज़ाइन जो है आगे ऊपर तक बनाते जाएंगे और ये लेडीज़ कार्डिगन पे, जेंट्स स्वेटर पे या बच्चों के स्वेटर पे, किसी पे भी बहुत अच्छा खिलता है और बहुत हर कलर में ही लगभग ये खिलता है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें, बहुत अच्छा लगता है ये। ये देखिए आगे फिर से हमने सीधे फंदे के साथ उल्टे फंदे को घटा दिया और यहाँ पे ये अगले फंदे के साथ हम सेंटर वाले के साथ जाली डाल देंगे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम उल्टा देंगे और ये ऐसे सीधा बुन देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा ये बढ़ गया बहुत अच्छे से, फिर से उल्टे फंदे